अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू महनूज व्लॉग्स। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, मलाइका अभी भी सो रही है। मैं उसके सर पे व्लॉग स्टार्ट करके चिल्ला रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं जाने लगी हूँ नीचे, इसको देते हैं हम सोने, हम जाएंगे नीचे। यहाँ से मैं अपना चार्जर फटाफट से उठाती हूँ क्योंकि हमें नीचे जाके फोन चार्ज करना है। नीचे कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन सो रहा है, क्या प्लान है, मुझे लग रहा है मम्मा बाबा जाग रहे हैं। अभी यहाँ पे बारात आई हुई थी, पीछे ढोल बज रहे थे, खिड़की से आवाज़ आ रही थी और मैंने साथ साथ यू नो डांस भी किया उसके पूरे बैंड बाजों के साथ। बारात आई थी, गाड़ियाँ सजी हुई हैं बड़े खूबसूरत किस्म की, किसी की बारात जा रही है यहाँ से किसी की दुल्हन लेने। चले नीचे चले। मैं नीचे गई थी लेकिन नीचे कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। मम्मा सो रही थी, पापा घर से बाहर थे, मम्मा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो मम्मा सो रही थी। तो मैंने कहा चलो जी, शादी का खाना तो नहीं खाया लेकिन हम अपना फेवरेट फूड KFC खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे KFC एंजॉय कर रही हूँ और बस साथ साथ कुछ देख लेते हैं नेटफ्लिक्स पर, यही सीन ऑन। अभी मलाइका सो रही है तो मैंने अंधेरा किया हुआ था। यह आप लोग को गाने की आवाज़ आ रही है, ये सामने दूल्हे की गाड़ी सजी हुई है, ये नज़र नहीं दिख नहीं रही इससे, ये यहाँ पर शादी चल रही है। हर बंदा फोटो शूट में लगा हुआ है इनके घर, वो देखो जी और वो तस्वीरें बन रही हैं। फिर उसे कह रहा है उधर जा पूरी बना। ये सारे हमारे वाले काम है भाई बच्चों। मम्मा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, फ्लू वगैरह हुआ है, फीवर वगैरह, तो वो सोती नहीं है, मैं भी साथ सोती रही हूँ, पूरा टाइम सोती ही रही हूँ। इस वक्त बज रहे रात के 12:30 और मैं उठी हूँ 11 बजे और सोती रही हूँ सारा टाइम, वो भी सोती रही है। कुछ करने को था नहीं घर में तो बस फिर हम लोग सो गए। वो सो रही थी मेडिसिन लेके, मुझे भी नींद आती रही है। बाबा बाहर गए हुए थे, भाई अपने कामों में, अम्मी अपने कामों में थी, तो बस मैं बोर हो के आखिर में सोती रही। तो दाल चढ़ाई थी, मम्मा कह रही थी और तड़का लगा देती हूँ मैं, उन्होंने बोला तड़का लगा दो, हम लगा देते हैं तड़का। तो अभी मैं यहाँ पे लहसुन लेके खड़ी हूँ तड़के के लिए, इसको चॉप में चॉप करना है। मिशू ने देख लिया है कि ये उठ के आ गई है, मिशू ने शोर मचा दिया। अभी पहले तक खामोशी थी, जैसे देखा ना ये कोई उठ के आ गया तो मिशू ने शोर मचाया हुआ कि मुझे निकालो बाहर। सुने बस मिशू शुरू हुआ, मिठू लगता है मुझे बोलता है ना। पहले मैं इसको बड़े ताने मारती थी, मिशू तो गंदा है, मिशू तो गूंगा, अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं इसको उठाती भी कम थी, मैं कहती थी बोलता तो है नहीं। अब जब से बोलना शुरू किया इतना प्यारा लगता है मुझे, इतना प्यारा लगता है, मैं उठा के बैठी रहती हूँ, चलो बोलता तो है, मेरा नाम तो बोलता है। तो अब इसको चॉप करते हैं चॉपर में और तड़का लगा लेते हैं दाल को। किचन में आई हूँ, मन रोटियाँ चढ़ा रही है और दाल को तड़का लगा रही है। ये देखो गाइस, सड़ गई रोटी। मानो जिंदगी में पहली बार एक दो काम साथ साथ करी है, दाल खाना और रोटी है ना, और गुस्सा भी आ रहा है। अब मोहब्बत से खाना खिलाओ लोगों को, मोहब्बत खिला रही लेकिन डबल डबल करने में थोड़ा सा बंदा यू नो, मोहब्बत से प्यार से खाना खिलाओ, वही घर घर है। हमने हम साथ साथ है मूवी से यही सीखा है। ओके बाय। तारीफे कर रहे थे, मानो रोटी जला थी खाएगा बिचारा। यार दो काम साथ करना, रोटियां सड़ गई यार, रोटी सड़ी भी रोटियां। तो कोई बात नहीं, इंसान ही खाता है सड़ी भी रोटी, सड़ी भी खा लेंगे। हाँ जी, ये खिलाया मानूर हमें, मैं भी खा रहे। देखो यार पता क्या हुआ, मैं इधर लगा रही थी तड़का और रोटी भूल गई हूँ, मैं रोटी भी रखी हुई थी साइड पे, सबसे इकट्ठी तो लगाई हूँ। हाँ जी, मजा आया बहुत, हमने खाना खाया, अब हम खा रहे हैं ये जो खा रही है चाय एंड केक। कुछ देखने का सोचते लेकिन नेट, यार क्या प्रॉब्लम है नेट वालों, तुम्हें एक टाइम पे पीटीसेल ऐसे करता था। हाँ कुछ खाना पीना है, अल्लाह इतना खूबसूरत नहीं आ रहे बोले कि हुस्न की क्या बात है, किसे मिला दिया बोले RHS उसकी वाइफ माशाल्लाह बहुत प्यारा कपल पूछ रहे हैं लेकिन भोला जो पूछे इतना प्यारा है, बोले की शादी करा देते हैं, बोली शादी करेगा और इसको बिल्ली है, बोले का रिश्ता मांगा है हमने, RHS भाई बोले का रिश्ता मांगा है, इसका असल में ना बोले की शादी पर्सनैलिटी खराब कर रहे हैं बोला बोल के। सिम्बा है वो ये है एक अदद सिम्बा, हमारे घर का पुत्र। क्या आपको हमारा सिम्बा कबूल है? ऐसी सिम्बा तो बहुत खुश होगा, दोस्तियाँ करता है सबसे, बहुत फ्रेंडली हूँ मैं। ऐसे बोले देख तो सही कितने बड़े RHS से मैंने तेरा रिश्ता मांग लिया, इतना तो तू खुश है तेरे पास। इतना हमारा यूट्यूबर बोले कि सोच
सोच बोली सोच आखिर देख देख उसकी देख उसकी अभी अभी शादी हुई है नहीं नहीं अब वो अपनी कोई बिली शिली का भी सोचेगा ना तो तेरा रिश्ता भेज दिया मैंने अभी तो वैसे मैं काला हो पड़ा वैसे मैं बहुत गोरा चिट्ठा हूँ असल में ना बिल्ली ने नाखून मार दिया था आँख में तबीयत खराब हो जाती है मेरी अब अच्छा अच्छा बोले नाराज ना हो देख तुझे पसंद नहीं आएगी ना तो रिश्ता कैंसिल कह रही हूँ बोली को अगर तुझे पसंद ना आई आरएचएस की बिल्ली तो हम रिश्ता कैंसिल कर देंगे बोले की पसंद पे चलेगा सब कुछ ब्रो लड़की के नखरे होंगे मैं बता रही हूं आरएचएस भाई हां बोला हमारा खुशन का परा है बोले के कम नखरे नहीं है भाई बोला बहुत नखरीला है अभी किसी को क्या पता हैं बोला भाई तुझे नहीं पता बोले ने पूरी दुनिया में हुस्न में अवार्ड ले रखा है वो सिर्फ फेमस बाप की बेटी है गुस्सा आ रहा है उसको बड़ा बोले तेरी शादी की बात है यार खुश हो आखिर शादी तो करनी है ना कोई घर में खुशियां आए कोई बाल बच्चे आए बोले पागल है तू तो ये मार खाता है मिलियों से बस ये बहुत मासूम है सीधा साधा लड़का मैं दे रही हूँ इतनी तेज तरार बिल्ली को तो बड़ी बात है ऐसे बोलिए देख हम शर्त ये रखेंगे कि बिल्ली यहाँ पे आएगी बोला नहीं दे सकती मैं सीधी ही बात है ये मेरा राज दुलारा मेरे पास अलग अलग ही ठीक है ये मेरा राज दुलारा मेरे पास रहेगा भाई बोल नहीं ले सकता देखा कितने शबर से बैठता है मेरा पुत्र इतना शबर रखता हूँ मैं वैसे फर्क ही नहीं पड़ा हमारी बकवास उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बोलते रहो जो बोलते बोला दिल दिल में लड्डू फूट रहे बोले को बड़ी पसंद है सहेलियाँ शादी का लड्डू खाएगा बोला कहते हैं मेरी भी कोई सहेली हो बोले की उन्हें मंगनी की थी फिर जो बोले की जो सहेली थी ना उसकी डेथ हो गई तब से बोला थोड़े सी दुख में था लेकिन अब बोला भूल गया शादी की बात पे आंखें बंद कर ऐसे बोले नहीं देख तेल जो है ना यूं चल रही है मतलब दिमाग में लड्डू फूट रहे हैं अच्छा बोले ऐसी बात एक बार बताऊं अगर ये अभी इरिटेट हो रहा था तो ये भाग चुका होता है यहाँ से मतलब कि इसको इंटरेस्ट है इस बात हमें तो जुड़ा बैठा है ऐसी बनम शादी होगी मैं कहती हूँ खुशियां आए घर में कोई खुशियां हो बोले की जिंदगी शेट बोले की जिंदगी शेटन होगी तुझे क्या पता ये बोले मेरी बातें हम सुबह शाम ऐसी बातें करते हैं माँ बेटे की बातें होती है बहुत सारी तुझे क्या पता ऐसे ना बोले बहुत सारी लड़कियां मैंने हमने रिजेक्ट कर दी हमारी बोली को पसंद नहीं आई थी चूंकि मूलिया की बेटी के पीछे नहीं देंगे उनको पता भी नहीं क्या पता चल जाए यू नेवर नो भाई आपकी बिल्ली का रिश्ता चाहिए पर हमारी बोली शाह के लिए बोली शाह भी निक ने देख सिम्बा तू भी स्पैक गैंग का हिस्सा बने फिर मम्मा से तो पूछ लो कोई एतराज तो नहीं है इसको तो एतराज ही होगा सड़ी भी को ये तो कहती है मेरा पुत्र इधर उधर होना ही नहीं चाहिए सास थोड़ी ऐसी है पर कोई बात नहीं पर ठीक है बुक डोना डोना फिर रिश्ता मांग लूं क्या यार क्या कहती है अभी कोई पता भी नहीं हाँ होती है या नहीं कभी कभी शादी अच्छी नहीं होती पर भोले अच्छे होते हैं ये अच्छी नहीं है पता क्यों ये नहीं चाची बोला किसी के शर्ट जो घर में बिल्ली आती है उसकी कुट लगा देती है हमने बहुत शुगर मार रही हम सब शुगर मार रहे थे हमारा युगल चल रहा था अचानक से भाई की वीडियो सामने चल रही थी उनका ग्रैंड फिनाले माशाल्लाह तो हमने कहा चलो जरा हमने बीच में यही गपशप शुरू कर दी मेरा बेटा तो वैसे भी सो गया इधर दूल्हा आ चुका है इनके पैसे फेंक रहे हैं दूल्हे के ऊपर ये दूल्हे की पग नजर सुनाएगा हम भी नाच रहे भाई ढोल तो ढोल है बहुत थक चुकी हूँ आई एम वेरी टायर्ड मैंने खाना बनाया रोटी बनाई और मुझे पता है बहुत से लोग के लिए दो काम बहुत आसान होंगे मेरे लिए भी आसान है लेकिन मैं थक बहुत जल्दी जाती हूँ मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इन दो कामों में ही थक जाती हूँ मैं अब मैं रेस्ट करने वाली हूँ और हम बहुत मजाक कर रहे थे राना हमजा साहब वाला भाई वाला जो उनके रिश्ते विश्ते की बातें मार रहे थे हम मलाइका भी आ चुकी है रूप में अब हम करते हैं रेस्ट हम लोगों ने बहुत मजाक किया आई होप यू लाइक द व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज़ एवरीवन